नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज एक खुशखबरी आपको फिर से मैं देना चाहता हूं। और खुशखबरी देने के बाद फिर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। और जो आज की कहानी होगी वो बहुत ही मोटिवेटिंग कहानी है, आपको प्रोत्साहित करेगी। और देखना कि आपकी तैयारी में ये कहानी चार चांद लगा देगी, ठीक है। तो खुशखबरी दोस्तों ये है कि जैसा कि आपको पता है कि कल जो है रिजल्ट आया है, कल नहीं परसों आया था, वो लोअर पीसेस का, ठीक है, जो UP SSC कराता है, ठीक, लोअर पीसेस का रिजल्ट आया था। तो हालांकि ये जो लोअर पीसेस का जो परीक्षा है, जो पोस्टें हैं, ये पहले लोक सेवा आयोग कराया करता था, लेकिन इस बार से लोक सेवा आयोग ने इसको अधीनस्थ को दे दिया है, ठीक है। तो इस बार जो लोअर की परीक्षाएं होंगी वो अधीनस्थ द्वारा आयोजित कराई गई थी। दोस्तों खुशखबरी ये है कि आप लोगों के शुभकामनाओं से, ब्लेसिंग से और सहयोग से मैं भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूं और मेंस देने का मुझे मौका मिला है। और इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं, सभी को। और जितने भी हमारे मित्र हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि उनको भी सफलता मिली है। मैं अपने सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को, भाइयों बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ब्लेसिंग्स देता हूँ कि आप लोग सफल हुए हैं। और मैं यही कहूंगा कि आप लोग जी जान से मेंस में जुट जाइए, ठीक है। हालांकि मैं तो मेंस नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं, तो मैं क्यों एक सीट खराब करूं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मेंस नहीं दूंगा। इसलिए जो हमारे भाई बंधु हैं जिनका प्री हुआ है वो मेंस की तैयारी में अच्छे से जुट जाएं, ठीक है। एक दिन मैं इस पर चर्चा कर लूंगा कि मेंस का सिलेबस क्या है, कैसे कैसे प्रश्न इसमें आएंगे, ठीक है। तो इस पर विस्तार से चर्चा हो जाएगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और मुझसे जितना भी संभव हो सकेगा या इस चैनल के माध्यम से जो भी पॉसिबल होगा मेंस के लिए, वो हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पुनः आपको शुभकामनाएं और बधाई कि आप लोग मेंस के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं, क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की कहानी में हम लोग क्या देखेंगे, आज की कहानी बड़ी ही रोचक है और बड़ी ही काम की है, ठीक है। और दोस्तों एक कहावत है ना कि मन को कंट्रोल करने वालों को, क्या कहा कि मन को कंट्रोल करने वालों को वो मिलता है जो सामान्य लोगों की सोच से लाख गुना ज्यादा होता है। मन को कंट्रोल करने वालों को वो मिलता है जो सामान्य लोगों की सोच से लाख गुना ज्यादा होता है। दोस्तों आज हम कुछ ऐसी ही बात करने वाले हैं कि हमें अपने मन पर कंट्रोल करना, काबू करना क्यों जरूरी है। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जब अपने मन से अपना हम नियंत्रण खो देते हैं, अपने मन पर हम काबू नहीं रख पाते हैं और विचलित हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने जो बीड़ा उठाया है, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, वो आसान नहीं है। एक अधिकारी बनना आज के दौर में इतना आसान नहीं है। आपने बहुत बड़ा एक टारगेट, लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए आपको कीमत भी ठीक ठाक चुकानी पड़ेगी। यानी कि हल्की फुल्की मेहनत से बिल्कुल भी काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको पेशेंस बनाए रखना होगा, मन पर काबू रखना होगा, हिम्मत नहीं हारना होगा, ठीक है दोस्तों। तो मन पर काबू करने से क्या होगा, आखिर मन पर काबू करने से क्या फायदे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर मन पर काबू आप कर लेते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति से भी महापुरुष बन सकता है। इसके सामने हमारे प्रत्यक्ष उदाहरण है, आपने नाम सुना हो गौतम बुद्ध जी का, स्वामी विवेकानंद का। ये एक सामान्य से बालक थे, साधारण से बालक थे, लेकिन मन पर काबू पा करके, मन को अपने वश में करके आज वो महापुरुषों की श्रेणी में आ गए हैं। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे भी निवेदन है कि अपने मन पर काबू रखें, अपने मन को कंट्रोल में रखें। कैसे कंट्रोल में रखना है मैं आपको इस कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों एक आध्यात्मिक स्कूल था, बहुत ही फेमस, बहुत ही चर्चित एक आध्यात्मिक स्कूल था और लोग उस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए तरसते थे। बहुत टफ परीक्षा होती थी, बहुत भीड़ लगती थी, बहुत लोग जाते थे, लेकिन बहुत कम लोग ही सफल हो पाते थे। तो एक पिता थे जो अपने पुत्र का, यानी अपने बेटे का, उस आध्यात्मिक स्कूल में दाखिला कराना चाहते थे। तो वो एक दिन पता करने गए, वहां पर पूछा जाके, तो वॉचमैन ने बताया कि आप अपने बेटे को कल सुबह 8 बजे लेकर के आ जाइए और कल दाखिला की प्रक्रिया शुरू होगी, कल एडमिशन लिए जाएंगे। तो अगले दिन पिता उनके अपने बेटे को साथ लेकर के सुबह 8 बजे उसी स्कूल में पहुंच जाते हैं।
बाहर जैसे गेट पर पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग और भी आए होते हैं, हजारों की संख्या में दूर दूर से स्टूडेंट आए होते हैं। तो वो वॉचमैन से मिलते हैं, कहते कि मैं आ गया हूँ, कल आपने बताया था 8 बजे आने के लिए। तो वॉचमैन कहता ठीक है, आप अपने बेटों को यहीं पर छोड़ दीजिए, और चूंकि अभी अंदर मीटिंग चल रही है, सभी टीचर व्यस्त हैं, तो इन लोगों को कुछ देर बाद अंदर बुलाया जाएगा। उसके पिता अपने बेटे को छोड़ करके घर चले आते हैं, वापस चले आते हैं, और अपने बेटे से एक बात कह जाते हैं, एक नसीहत दे जाते हैं कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हिम्मत नहीं हारना है, चाहे कुछ भी हो हिम्मत नहीं हारना है। और इतना कह करके वो वापस अपने घर चले आते हैं, बेटा उनका भी रह जाता है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं हजारों की संख्या में, ठीक है। तो आराम से सब लोग अपना वेट कर रहे होते हैं, तो वॉचमैन ने सबको बता दिया कि अभी अंदर मीटिंग चल रही है और सभी टीचर बिजी हैं, जैसे ही वो लोग फ्री होंगे अंदर से बुलावा आएगा तो आप लोगों को अंदर बुलाया जाएगा। सब लोग इंतजार करते हैं, वेट करते हैं, धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है, 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई बुलावा नहीं आया है। लोगों को धूप का भी पड़ रही थी, प्यास भी लग रही थी, भूख भी लग रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन वही ना कि स्कूल इतना अच्छा था और फेमस था कि दाखिला सभी को लेना था, मन पर सब काबू किए हुए थे, कंट्रोल किए हुए थे, लेकिन और समय बढ़ा, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, लेकिन अभी बुलावा नहीं आया। जैसे ही 2 बजा तो स्कूल की छुट्टी हो गई और अंदर से बच्चे जो पढ़ने वाले थे वो बाहर आने लगे। तो जब स्कूल की छुट्टी हो गई तब जो बाहर वाले बच्चे वेट कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि शायद अब हमको बुलाया जाएगा, क्योंकि अब जो है स्कूल की छुट्टी हो गई है और जितने भी टीचर हैं वो सब फ्री हो गए होंगे, खाली हो गए होंगे। लेकिन बच्चे सब बाहर निकल जाते हैं, 2 बज जाता है, 3 बज जाता है, फिर भी किसी को बुलाया नहीं जाता है, अंदर से बुलावा नहीं आता है। सारे बच्चे बेचैन, भूख से तड़प रहे हैं, धूप में खड़े हैं, विचार कर रहे हैं। 4 बज गया, 5 बज गया, ठीक है, जैसे ही 4-5 बजता है सारे बच्चे व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि सारे बच्चे वापस लौटना चले जाते हैं, अपने घर को चलना शुरू कर देते हैं, और क्या कहते हैं, इतना बेकार स्कूल, कितना घटिया स्कूल है, यहाँ के टीचर कितने निर्दयी हैं, बताइए, हम लोग सुबह से आए हैं, भूखे प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, और टीचरों को कोई चिंता ही नहीं है, यहाँ के स्टाफ को कोई फिक्र ही नहीं है कि हम लोग बाहर खड़े हैं, अभी तक हमको नहीं बुलाया गया है, अगर कब हमारी परीक्षा होगी, कब हमारा दाखिला लिया जाएगा। धीरे धीरे क्या होता, बच्चे अपने घर को वापस जाने लगते हैं, 5 बज जाता, 6 बज जाता है, 7 बज जाता, 8 बज जाता है, समझो 8 बजे तक सारे बच्चे अपने घर को वापस चले जाते हैं, सिर्फ एक वही लड़का वहां पर बचता है। हालांकि वो भी बहुत थक चुका होता है, परेशान हो जाता है, भूख प्यास लगी थी, बिल्कुल एकदम हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, मन तो उसका भी करता है कि मैं भी घर चला जाऊं उसके साथ, सबके साथ, लेकिन उसे अपने पिता की दी हुई नसीहत याद आती है कि बेटा परिस्थिति चाहे जो भी हो, अपने मन को काबू में रखना और हिम्मत नहीं हारना है। ये बात जैसी उसको याद आती अपने पिता की, वो वहीं ठहर जाता है, रुक जाता है, नहीं जाता है। जैसे 8 बजता 8:30 बजता है, अंदर से एक चपरासी आता है, वॉचमैन आता है और कहता है कि आप बस थोड़ी देर और रुके रहिए, थोड़ी सी देर और रुके रहिए, बस 5-10 मिनट, आपको अंदर से तुरंत बुलाया जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ी देर इंतजार वो और करता है और अंदर से बुलावा आता है कि आपको अंदर बुलाया गया है। वो लड़का अंदर जाता है, जैसे ही वो अंदर जाता है सभी टीचर सभी स्टाफ उसे गले से लगा लेते हैं और बधाइयां देने लगते हैं कि तुम परीक्षा में पास हो गए हो, तुम्हारा एडमिशन हो गया है। तो लड़का सोचता है, कहता, अरे हमारी परीक्षा तो हुई नहीं, हमारे आपने कागज नहीं देखी, हमारी आपने डिग्री भी नहीं देखी, पास कैसे हो गए हम, कैसे मेरा एडमिशन हो गया। तो टीचर कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता है, सुबह 8 बजे से लेकर के अभी तक तुम्हारी परीक्षा ही तो हो रही है, ये क्या है, ये मैं परीक्षा ही तो ले रहा था, और सारे लोग देखिए घर जा चुके, वापस जा चुके हैं, लेकिन तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो, बस ऐसा ही तो हमें स्टूडेंट चाहिए था, और इसी वजह से ये हमारा विद्यालय इस क्षेत्र में एक चर्चा का विषय है और अपना एक अलग स्थान रखता है, क्योंकि आप जैसे विद्यार्थी हमारे विद्यालय में पढ़ने आते हैं और विद्यालय का नाम रोशन करते हैं, जिनका अपने मन पर काबू है, धैर्य बनाए रखते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी आपको अपने को डगमगाते नहीं है, हताश नहीं होते हैं, निराश नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों कहा गया है ना कि 100% में से 99% लोग असफल क्यों होते हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि जब कीमत चुकाने की बारी आती है ना तो सब लोग वापस हो लेते हैं, हथियार डाल देते हैं,
मन को काबू नहीं रख पाते हैं, निराश हो जाते हैं, कीमत नहीं चुका पाते हैं, इसीलिए 1% लोग सफल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि जो 1% सफल होते हैं ना, वो आप हैं। और आप चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां हों, मैं बार बार कहता हूं, चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियां हों, आपने बहुत बड़ी नौकरी का बीड़ा उठाया है और अगर आपने यहां तक मंजिल हासिल की है तो विश्वास रखिए कि आप एक दिन अधिकारी बन के जरूर रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है और मैं आपको अधिकारी बना करके जरूर मानूंगा। दोस्तों इसलिए अपने मन पर काबू रखिए, हताश मत होइए, निराश मत होइए, अपनी ऊर्जा में कमी मत आने दीजिए। लोग कितनी भी आपकी टांग खींचे, लोग कितना परेशान करें, टॉर्चर करें, चाहे वो दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, घर वाले हो, पड़ोसी हो, मोहल्ले वाले हो, गांव वाले हो, शहर वाले हो, किसी की बातों में नहीं आना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है दोस्तों। और देखना कि एक दिन दुनिया आपके कदम चूमेगी। इसलिए कहते हैं कि जो मन पे काबू पाता है ना, उसको सामान्य लोगों की अपेक्षा लाख गुना ज्यादा मिलता है। इसलिए अपने मन पर काबू रखिए, मन पर धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस रखिए, सफलता आपके दोस्तों कदम चूमेगी और आप जरूर सफल होंगे। दोस्तों मेरी शुभकामनाएं, मेरी ब्लेसिंग्स, मेरी दुआएं सब आपके साथ है। मैं पूरा सहयोग कर रहा हूं, आपको देखिए कितना अच्छा पढ़ाता हूं, टाइम टू टाइम लेक्चर देता हूं, आपको मोटिवेट करता हूं, आपकी समस्याओं का समाधान करता हूं। किस लिए? क्योंकि आप सफल हो, आप अधिकारी बने। क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं अधिकारी हूं ना, तो मैं आपको भी अधिकारी के रूप में ही देखना चाहता हूं, अपने स्टूडेंट के रूप में नहीं। इसलिए दोस्तों मेरी बात हमेशा याद रखना कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा दोस्तों। इसलिए मेहनत करिए, परीक्षा नजदीक आ रही है, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की परीक्षाएं तीनों लगी हुई हैं, ठीक है। और ये भी मन से निकाल दीजिए कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, बिल्कुल निकाल दीजिए। परीक्षा होगी तो हम देंगे, नहीं होगी तो जब होगी तब देंगे और तब सफल होंगे, सफल होकर दिखाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ये अपने आप से वादा करिए, मुझसे वादा करिए कि आप जरूर सफल होंगे। चलिए दोस्तों मिलता हूं फिर अगली कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।